नमस्ते। मास कम्युनिकेशन के इतिहास के बहुत दिलचस्प समय में मैं इस समय बात कर रहा हूँ। अभी तक मास कम्युनिकेशन का क्या मतलब था? देखिए, भारत में या दुनिया में मास कम्युनिकेशन की पहली शुरुआत प्रिंटिंग प्रेस से होती है, जबकि एक किताब हजारों लाखों की संख्या में छापी जाती है और एक बात जो बोली जाती है उसको लाखों लोगों तक पहुँचाया जाता है। रेडियो ने भी यही काम किया, रेडियो स्टेशन्स ने ये काम किया, टेलीविज़न स्टेशन्स ने भी ये काम किया कि कुछ लोग बोलेंगे और हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग उसको सुनेंगे। अब क्या हुआ, एक नई चीज़ हो गई है। और नई चीज़ ये है कि खास करके इंटरनेट और सोशल मीडिया के आने के बाद हुआ ये है कि कम्युनिकेट करना अब आसान हो गया है। मेरे पास अगर 2500-3000 रुपये का भी एक स्मार्टफोन है और एक डाटा पैक है तो मैं अपनी बात बोल सकता हूँ। भारत में हुआ ये है कि इस वजह से वो सारे समुदाय जो पहले जिनकी वॉइस नहीं थी, जिनकी कोई आवाज़ नहीं थी, जो पढ़ते लिखते नहीं थे क्योंकि उनको वो आज़ादी नहीं मिली थी, वो सुविधा नहीं मिली थी, महिलाएं नहीं पढ़ती थीं, दलित नहीं पढ़ते थे, ओबीसी तक शिक्षा नहीं पहुंची थी, ये सारे लोग अब अपनी बात बोलने लगे हैं और उनकी बात सुनी जाने लगी है। ये मास कम्युनिकेशन का नया दौर है। इसको मैं एंड ऑफ मास कम्युनिकेशन इसलिए बोल रहा हूँ कि मास कम्युनिकेशन के पूरे पैराडाइम को चैलेंज कर रहा है। अब करोड़ों लोग करोड़ों लोगों से बात करेंगे और ये नहीं होगा कि कोई एक संपादक तय करेगा कि इन तीन मुद्दों पर बात होनी है। हो सकता है कि आज भी एक संपादक तय करे कि इन मुद्दों पर मुझे संपादकीय लिखना है, इन मुद्दों पर मुझे चैनल का प्रोग्राम बनाना है, लेकिन ये हो सकता है कि कुछ लोग तय करें कि मुझे एक यूट्यूब पर वीडियो बनाना है या व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया पे कोई डिबेट चलानी है। तो इस वजह से भारत में जो वॉइसलेस थे उनको वॉइस मिली है। भारत में इसलिए इसका महत्व ज़्यादा है क्योंकि कॉरपोरेट तो सारी दुनिया में मीडिया है, लेकिन भारत में इसके साथ एक कास्ट और जेंडर का भी एस्पेक्ट बहुत मजबूती से जुड़ जाता है, क्योंकि कुछ खास लोग, कुछ खास जातियों के लोग अभी तक भारत में मीडिया को चलाते आए हैं। तमाम सर्वे हुए हैं जिससे पता चला है कि लगभग 90% जो मीडिया में काम करने वाले हैं, खास करके निर्णय लेने वाले पदों पर, वो हिंदू अपर कास्ट मेल है। तो उतना छोटा सा समूह जो मुश्किल से 3-3.5% या 4% पॉपुलेशन होगा, वो भारत में मीडिया को अब तक कंट्रोल करता आया है, अब तक होता आया है, लेकिन अब नहीं होगा। इसलिए क्योंकि ये टूल्स बहुत लोगों के पास आ गए हैं। आगे चल के ये किस ढंग से इवॉल्व होता है, इस पर फिर कॉरपोरेट कंट्रोल कैसे होता है, क्योंकि अल्टीमेटली मीडिया में भी बड़े कॉरपोरेट हाउसेज आए हैं, वो भी अपने प्रयास कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में फिर से ये हो कि कॉरपोरेट्स का इसमें भी बहुत बड़ा स्टेक, बहुत बड़ा हिस्सा कॉरपोरेट ले जाए, लेकिन वो जो छोटी छोटी आवाज़ है, जो धीमी आवाज़ें थी, जो नहीं थी, उन आवाज़ों को अब रोक पाना पूरी तरह संभव नहीं है, क्योंकि वो रास्ता खुल गया है और कॉरपोरेट कंपटीशन के बीच में भी बहुत सारे इस तरह के प्लेटफॉर्म्स की गुंजाइश बन गई है। मुझे लगता है कि इस समय का हमको कुल मिलाकर स्वागत करना चाहिए और संभावनाओं की तलाश करनी चाहिए। जो मजदूर संगठन हैं, माइनॉरिटीज़ के इशूज़ उठाते हैं, जो दलितों की आवाज़ उठाते हैं, ओबीसीज़ की आवाज़ उठाते हैं, ट्राइबल्स की आवाज़ उठा रहे हैं, इन सारे राइट्स बेस्ड खास करके मूवमेंट जो हैं उनको इस मीडियम का इस्तेमाल करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, और ग्रुप फॉर्मेशन में इसकी जो संभावनाएँ हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए। मोटे तौर पर मुझे ये लगता है कि ये एक अच्छा समय है और इस समय को अगर हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं तो ये पूरे स्पेस को डेमोक्रेटाइज करेगा।